वेलकम टू ओनली आईएएस इंडियन पॉलिटी में ये हमारा 19वां लेक्चर है। फंडामेंटल राइट हम कवर कर चुके हैं और आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, राज्य के नीति निदेशक तत्व, द नॉवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का एक अनोखा हिस्सा जिसे लागू करने की बाध्यता नहीं। ये थोड़ा विरोधाभासपूर्ण है, थोड़ा आयरोनिकल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको वो सब कुछ ग्रांट करने की ओर दिशा निर्देश देते हैं जिसकी आप सरकार से उम्मीद करते हैं, जो आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए अरेंज करे, लेकिन सरकार उन्हें लागू करेगी, उन चीज़ों को कंपल्सरली आपको प्रोवाइड करेगी, इस बात की सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। तो आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या हैं और इनसे एसोसिएटेड क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं जो आपको DPSP पढ़ते वक्त कवर करने होंगे, इन सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में और अपकमिंग लेक्चर्स में जो DPSP से जुड़े हुए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब आप पढ़ते हैं तो बेसिकली इन्हें 3 मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया जाता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। आप इन्हें लिबरल वेस्टर्न प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जैसे कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की लिस्ट में एक ऐसी संख्या भी थी, एक ऐसा समूह भी था जो कि USSR से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जो समाजवाद के सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो चाहते थे कि समाजवाद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं सोशलिज्म के, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी जाए। बट द प्रॉब्लम वॉज कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडिकल चेंजेस की आवश्यकता पड़ती है और अगर आप रेडिकल चेंजेस करने की स्थिति में नहीं हैं तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। ऐसी स्थिति में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को कोर रूप में इम्प्लीमेंट कर देना या उन्हें इन्फोर्सिबल बना देना संभव नहीं था। यही कारण था कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को हमारे DPSP का हिस्सा बना दिया गया। जो लोग भारत को समाजवादी देश बनाना चाहते थे, जो चाहते थे कि समाजवाद के जो बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल्स हैं वो भारत में भी इनकलकेट किए जाएं, उनका सम्मान करते हुए उन बातों को हमारे DPSP में इंक्लूड कर दिया गया। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन से हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मेजरली आपको DPSP में देखने को मिलते हैं? 38, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। अब ये आर्टिकल्स क्या हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी आप केवल एक ओवरव्यू लीजिए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी को इंडिया में इंश्योर किया जाए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का ये इंटेंशन होता है, लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन ये दोनों अलाउ नहीं कर रहे थे कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी को एक झटके में इंप्लीमेंट कर दिया जाए। दैट्स वाई DPSP का हिस्सा बना दिया गया। गांधीयन प्रिंसिपल, जहां पर गांधी जी समाज में समानता चाहते थे, पॉलिटिकली वो ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, वो चाहते थे जो समाज का निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, कारीगर वर्ग है, उसे एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिले कि वो ग्रो कर सके, और कुछ मोरल प्रिंसिपल्स को गांधी जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट करना चाहते थे। तो गांधी जी के इन प्रिंसिपल्स को भी DPSPs में जगह मिली, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। ये सारी बातें गांधीयन प्रिंसिपल्स से जुड़ी हुई हैं, इन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देन लिबरल प्रिंसिपल्स, जो वेस्टर्न थॉट से प्रभावित थे, उन्हें भी हमारे संविधान में जगह मिली इन DPSP, इन आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। तो देखिए, इन आर्टिकल्स में बातें क्या कही गई हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। मेजरली वो बातें नेक्स्ट सेशन में होंगी। आज के इस सेशन में हमें कुछ बहुत ही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है DPSP के बारे में और कई सारे डायमेंशंस कवर करने हैं जो DPSP से एसोसिएटेड हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में DPSP का जिक्र है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में जो कुछ भी प्रावधान आपको मिलेंगे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, DPSPs को सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है, इन बातों को समझ भी लेंगे। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये DPSPs दिए गए हैं, पार्ट 4 में हैं, इट्स ओके। लेकिन DPSP का मतलब क्या होता है? व्हाट डज एग्जैक्टली DPSP मीन? इसका वास्तव में अर्थ क्या है, मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो DPSP का अगर आप मतलब समझना चाहते हैं, उसे डिफाइन करना चाहते हैं, यू कैन डिफाइन इन दैट वे दैट
द डीपीएसपी आर द गाइडलाइंस और द प्रिंसिपल्स गिवन टू द फेडरल इंस्टीट्यूट्स गवर्निंग द स्टेट ऑफ इंडिया टू बी केप्ट इन साइटेशन व्हाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। तो जैसे जब हम बात करते हैं, डेफिनेशंस वगैरह समझते हैं, तो हम हमेशा एक चीज पर फोकस करते हैं कि हर डेफिनेशन का एक कीवर्ड होता है। जैसे जब मैं आपको राइट की डेफिनेशन बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था राइट्स आर द क्लेम्स। तो राइट्स क्या हैं? क्लेम्स हैं। वैसे ही डीपीएसपी क्या है? तो डीपीएसपी गाइडलाइंस हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं। वो एक कीवर्ड अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आप बहुत अच्छी डेफिनेशन हमेशा बना पाएंगे। बाकी आप उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आगे पीछे की चीजें तो आप जोड़ ही लेते हैं। नाउ जो लैक होती है वो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड की होती है। तो अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हियर, दैट डीपीएसपीज आर दी गाइडलाइंस और दी प्रिंसिपल्स। तो डीपीएसपीज क्या है? ये गाइडलाइंस हैं या फिर ये प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत हैं या रिकमेंडेशंस हैं। किसके लिए हैं ये? ये हैं फेडरल इंस्टीट्यूट्स के लिए या फिर इन अ वे स्टेट के लिए, राज्य के लिए, जो कि इंडिया को गवर्न कर रहे हैं। और ये गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स उन्हें क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि जब भी वो कोई पॉलिसीज बनाएं, लॉज बनाएं इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो वो उन गाइडलाइंस का, उन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखें। तो डीपीएसपीज क्या होते हैं, अगर आप इस पे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। मोर क्लैरिफिकेशन, एक बात कही जाती है, अगर आप किसी चीज के अर्थ को समझना चाहते हैं, गो थ्रू द वर्ड्स। तो हम भी वही करते हैं। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें एक एक वर्ड को देखना होगा। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको चार वर्ड्स मिलेंगे। पहला है डायरेक्टिव, दूसरा है प्रिंसिपल, तीसरा है स्टेट और चौथा है पॉलिसी। ये सजेस्ट क्या करते हैं? व्हाट दीज फोर वर्ड्स सजेस्ट? ये सजेस्ट ये करते हैं कि सबसे पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक डायरेक्टिव है जो कि प्रिंसिपल के रूप में काम करता है, एक सिद्धांत के तौर पे काम करता है। किसके लिए काम करता है? स्टेट के लिए काम करता है। और किस स्थिति में काम करता है? जब वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हों। फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए, डीपीएसपीज क्या हैं? डीपीएसपीज डायरेक्टिव्स हैं। ये डायरेक्टिव्स किस फॉर्म में हैं? ये प्रिंसिपल्स के फॉर्म में हैं, सिद्धांतों के रूप में हैं। ये किसके लिए हैं? ये राज्य के लिए हैं, यानी कि स्टेट के लिए हैं। ये किस स्थिति में लागू किए जाएंगे? जब राज्य पॉलिसी मेकिंग कर रहा हो। इस लिहाज से अगर आप इसी चीज को एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सामान्य भाषा में तो ये प्रिंसिपल्स स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि जब वो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएं तो इन डीपीएसपीज का ख्याल रखें। एक लाइन में अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से समझना चाहते हो, तो डीपीएसपीज गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं स्टेट के लिए, जिनको कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए जब भी कोई नया लॉ या कोई नई पॉलिसी सिटीजन्स के लिए तैयार की जा रही हो। हालांकि स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो डीपीएसपीज को फॉलो करे ही करें, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर स्टेट डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं करते तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि हम तो अपना डीपीएसपी मांगता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, बिकॉज ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये मोरल ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट के ऊपर जो कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर करने का प्रयास करते हैं। डीपीएसपी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? डीपीएसपी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि लीगल और पॉलिटिकल राइट्स आपको फंडामेंटल राइट्स दे देते हैं। अब यहां पर जब सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात आती है तो वो आपको कहीं ना कहीं डीपीएसपी से मिलते हैं। इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद, तो अगर आपको एक लाइन में डीपीएसपी को समझना हो तो आप कैसे समझ सकते हैं कि डीपीएसपी गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं स्टेट के लिए? ऐसा माना जाता है कि जब भी स्टेट कोई लॉ वगैरह बनाएगा, कोई पॉलिसी मेकिंग करेगा, तो इन गाइडलाइंस को वो कंसिडरेशन में रखेंगे। किसी भी नए लॉ या पॉलिसी को बनाते वक्त, जो कि वो सिटीजन्स के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए बना रहे होंगे, हालांकि स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो डीपीएसपीज को फॉलो ही करें। क्यों? क्योंकि डीपीएसपीज लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। यू कैन नॉट से कि अपन को अपना डीपीएसपी मांगता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। दीज आर नॉट लाइक फंडामेंटल राइट्स जो कि लीगली इन्फोर्सेबल हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हों, यू कैन आस्क फॉर रिट। यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है डीपीएसपीज को सरकार फॉलो करे या ना करे, ये इनका मोरल ऑब्लिगेशन होता है। तो कुल मिलाकर डीपीएसपीज क्या है? डीपीएसपीज एक्सपेक्टेशन है
कुछ उम्मीदें हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि राज्य पॉलिसी मेकिंग करते वक्त, स्टेट या गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करते वक्त इस बारे में ध्यान रखेगा। स्टेट का मतलब क्या है? आर्टिकल 36 स्टेट के डेफिनेशन देता है डीपीएसपीज के लिए, और वो डेफिनेशन आर्टिकल 12 की तरह ही होगी ऐसा बोला गया है, जब तक कि उसमें कोई अल्टरेशन ना किया जाए, बदलाव ना किया जाए। तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करते वक्त, पॉलिसी मेकिंग करते वक्त डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। डीपीएसपीज के बैकग्राउंड में जो इंटेंशन वर्क करता है वो ये है कि आपको आपके सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ग्रांट किए जाएं, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ग्रांट किए जाएं। वही क्योंकि देखिए, जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं वो आपको फंडामेंटल राइट्स के जरिए दिए जा चुके हैं। सो व्हाट इज नीडेड नाउ, जरूरत थी कि आपको सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ग्रांट किए जाएं, जिसकी पूर्ति के लिए जो डीपीएसपीज हैं वो वर्क करते हैं। होपफुली कि आप डीपीएसपी का मतलब तो समझ गए हैं कि डीपीएसपी क्या है। 100 बातों की एक बात, वही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है डायरेक्टिव या फिर रिकमेंडेशन। किसके लिए है? स्टेट के लिए है। क्यों है? ताकि वो पॉलिसी मेकिंग करते वक्त इसका ध्यान रखें, जो कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को ग्रांट करने का प्रयास करता है और ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये बेसिक बातें आप डीपीएसपी के बारे में समझ गए हैं। अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो हम बड़ी ही स्मूथली आगे की बातों को भी समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो डीपीएसपीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, जो बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे कि डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में आपको डीपीएसपीज मिल जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप डीपीएसपीज पढ़ना चाहते हैं, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच की बातों को खंगालना होगा। तो याद रहेगा ना, आर्टिकल 12 से 35 क्या है? फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी है। तो ये चीजें आप अगर अच्छी तरीके से याद रखें तो सही रहता है। जैसे कि आर्टिकल 1-4 स्टेट के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 5-11 सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 12-35 फंडामेंटल राइट के बारे में बात करी गई है, आर्टिकल 36-51 डीपीएसपी के बारे में बात करी गई है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा तो आपको एक पिक्चर बनती रहेगी, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया उसकी पिक्चर आपके दिमाग में अगर है, इट विल बी बेटर। आर्टिकल 1-4 स्टेट के बारे में बात है, आर्टिकल 5-11 सिटीजनशिप, 12-35 फंडामेंटल राइट्स, 36-51 डीपीएसपी, ये आपको याद रहेगा, पिक्चर बनती रहेगी। डीपीएसपीज इंडिया कोई इंडिजीनियस इन्वेंशन नहीं है, मतलब इंडिया में डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगे, ये हमारा कोई इंडिजीनियस इन्वेंशन नहीं है कि हमने खुद से इसको तैयार कर लिया, इनकलकेट कर लिया। रैदर हमने डीपीएसपीज को आयरलैंड से डिराइव किया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज का जिक्र था, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जा रहा था तो हमने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया। दैट्स वाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो ये जो फीचर है वो हमने आयरलैंड से डिराइव कर लिया। अब आप याद करिए, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया था? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। यूएसए से लिया था। और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली हुई है? यूएसएसआर से ली हुई है। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, सो मैप इमेजिन करिए, ये मैप आपके सामने है, इसको पिक्चराइज करिए, आप भूलेंगे नहीं। आप इस मैप में वेस्ट टू ईस्ट आइए और फंडामेंटल राइट से आगे बढ़िए। यूएसए से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट। थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहां पर है आयरलैंड, यहां से आपने क्या लिया? यहां से आपने लिया डीपीएसपी। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, रशिया में आइए, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यहां से आपने क्या लिया? यहां से आपने डिराइव किया फंडामेंटल ड्यूटी। तो मैप में आप वेस्ट टू ईस्ट आइए और रिकॉल करिए, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिया फंडामेंटल राइट, आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, और यूएसएसआर से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये अगर आपको मैप पिक्चराइज होता रहेगा तो आप फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, एटलीस्ट आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको ये बात याद रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए, बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपीज को नॉवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, एक अद्भुत हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जो सिटीजन्स की उन आधारभूत जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगा जो किसी भी नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिकली वो सोशियो इकोनॉमिक राइट जिसके लिए लगातार बी आर अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी थी, वो चाहते थे कि इंडियन सिटीजन्स को ये राइट्स भी ग्रांट किए जाएं, बट वो आइडियलिज्म में नहीं जीते थे। वो समझते थे कि भारत की स्थिति आज ऐसी नहीं कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को सीधे सीधे ग्रांट कर दिया जाए,
तो उन्हें जब डीपीएसपी में जगह मिली तो इस बात से बाबा साहब संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि ठीक है, एक रास्ता तो तैयार किया गया है कि भविष्य में जब भी भारत के पास रिसोर्सेस होंगे तो इन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। दैट्स वाई बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपीज को नॉवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट किया और कहा। इज इट ओके, इतना समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपीज हैं और पार्ट 4 में है। ये बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा, तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि पार्ट 4 में है डीपीएसपी और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। पार्ट 4 में है डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वास्तव में कम्युनिटी की आवश्यकता है, समूह में जो लोग रह रहे हैं, जो आधारभूत जरूरतें समाज की होती हैं कि समाज में आर्थिक विषमता ना हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ना हो और जो सोसाइटी है वो हारमोनियस वे में चलती रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डीपीएसपीज के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। एक्चुअली में ये रिकमेंडेशंस हैं किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए। किस मैटर में? एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में। जब भी वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे होंगे तो वो डीपीएसपीज को फॉलो करेंगे। लॉ मेकिंग के समय में लेजिस्लेचर डीपीएसपीज को फॉलो करेगा। डीपीएसपीज का जिक्र अगर आप इसका ओरिजिन ट्रेस करना चाहते हैं इंडिया में, वैसे तो हमने इसको आयरलैंड से लिया है, इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका ओरिजिन ट्रेस करना चाहते हैं इंडिया में ही, तो आप याद कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जिसका जिक्र किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। 1935 के एक्ट में, भारत शासन अधिनियम में, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखा गया था जिसका उद्देश्य ये था कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो पॉलिसी मेकिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। उसे ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया और डीपीएसपी के फॉर्म में इनकल्केट कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। तो जो डीपीएसपी है उसके सेंटर में जो काम करता है प्रिंसिपल, वो ये है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट का मतलब लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। लोक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि राज्य में रहने वाले लोगों की, मतलब जो लोग, जो सिटीजन्स इंडिया में रह रहे हैं, उनकी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जो बहुत ही फंडामेंटल नीड्स हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। एंड दैट इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपीज दैट विल बी ट्राइड बाई स्टेट टू बी कम्प्लीट। ऐसा प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा कि वो उसको पूरा करने का प्रयास करें। जब हम यहाँ पर राज्य कहते हैं तो हमारा इंडिकेशन गवर्नमेंट की ओर होता है, नेशनल गवर्नमेंट की ओर होता है। यहाँ पर राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम, कश्मीर, इससे नहीं है। कश्मीर एग्जैक्टली इज नॉट स्टेट नाउ, अब वो एक यूटी बन चुका है एज ऑफ नाउ, जिसके लिए प्रोसीजर स्टार्टेड है। तो डीपीएसपीज का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को इंश्योर करना है, इक्वलिटी को इंश्योर करना है और भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टैब्लिश करना है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम तैयार करते हैं इंडिया के लिए, जिससे कि एक वाइड एरिना में लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर पाए। जो डीपीएसपीज हैं वो हमारे प्रीएम्बल में दिए गए जो बहुत ही हाई आइडियल्स हैं, लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उनको भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें, बेसिक बातें डीपीएसपी के बारे में। अब आइए डीपीएसपी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं जिनको आपको याद भी रखना है। सबसे पहले तो जो डीपीएसपीज हैं वो गाइडलाइंस हैं या फिर रिकमेंडेशंस हैं, ये हमने डेफिनेशन में भी समझा था। इस वर्ड को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखिएगा कि जो डीपीएसपीज हैं वो गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस हैं लेजिस्लेचर के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पर एक बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो डीपीएसपीज हैं वो गाइडलाइंस हैं, लिमिटेशंस नहीं हैं। मतलब वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को ये नहीं बोलते कि आपको ये नहीं करना है, वो उनको ये बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, यू शुड डू दैट। इस लिहाज से ये गाइडलाइंस हैं, ये लिमिटेशंस नहीं हैं, ये सीमाएँ नहीं हैं। ये राज्य को, गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कुछ करने से रोकते नहीं, बल्कि कहते हैं कि आपको ये करना है। दैट्स वाई इसे एक पॉजिटिव रिकमेंडेशन माना जाता है, नेगेटिव नोशन में नहीं लिया जाता डीपीएसपी को, जैसे कि फंडामेंटल राइट को लिया जाता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ये बात आपके दिमाग में रहे, बहुत ही बेसिक बात है।
तो पहला फीचर तो ये है कि ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो स्टेट को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इफिशियंटली वर्क करने के लिए डायरेक्टिव्स देती हैं, रिकमेंडेशंस देती हैं। तो ये तो पहला फीचर हो गया। दूसरी बात कि ये हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए बहुत ही फंडामेंटल है। फंडामेंटल होने का मतलब ये है कि कम से कम ये बातें तो ज़रूर फॉलो की जानी चाहिए जब भी हमारे देश के गवर्नेंस को हैंडल किया जा रहा है, उसे फॉलो किया जा रहा है। और ये स्टेट की अथॉरिटीज़ के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन ग्रांट करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मोरल ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? फंडामेंटल राइट लीगल ऑब्लिगेशन है। जबकि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी मोरल ऑब्लिगेशन है, मतलब एक नैतिक बाध्यता है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी मेकिंग करेगी तो डीपीएसपी उसको फॉलो करेगी। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो कोई केस नहीं कर सकता, कोई कंपेल नहीं कर सकता स्टेट को कि आप डीपीएसपी फॉलो क्यों नहीं कर रहे। इन अ वे इट्स काइंड ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, नॉट लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये तो दूसरा फीचर हो गया कि हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए बहुत ही फंडामेंटल है और स्टेट के ऊपर ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है। तीसरी बात कि गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को चेक करता है। जैसे कुछ बातें तो बिल्कुल लीगली इन्फोर्सेबल हैं, उन्हें तो गवर्नमेंट फॉलो करते ही करती है, उन्हें अगर वो फॉलो नहीं करते हैं यू कैन अप्रोच द कोर्ट। लेकिन जो DPSPs हैं, चूंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, उनको लागू अगर सरकार नहीं करती है तो आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। इस स्थिति में आप सरकार की परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि सरकार एक्चुअली में अपने लोगों के लिए कितना सोचती है, क्या सोचती है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपसे, जो सरकार से एक्सपेक्टेड है कि वो करेंगे। वो नहीं करेंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। इस स्थिति में अगर वो लोगों के लिए उस दिशा में काम करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार आपके बारे में ज़्यादा सोचती है, आपका ज़्यादा ख्याल रखती है। तो इस लिहाज से सरकार के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए DPSP एज अ टूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन की तरफ वर्क करता है, या फिर आप इसे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कह लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का। आप एनालॉजी ले सकते हैं, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि DPSP को आप क्या कहते हैं। आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन कह लीजिए। जब संविधान तैयार किया जाता था पहले के समय में, राजशाही वगैरह ख़त्म करके, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन की जाती थी जिससे लोगों के मन में एक खाका दे दिया जाता था कि आखिर जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा तो उन्हें क्या मिलेगा। एट द सेम टाइम जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो रिवील करती हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले इलेक्शंस हुए 2019 के लिए, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे, उसमें जो दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी उन्होंने अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पब्लिक किया, तो उस मैनिफेस्टो में वो ये बताते हैं कि अगर वो सरकार में आए तो वो क्या करेंगे, वो लोगों के लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। अगर वो चीज़ें ना करें तो कोई उन्हें कंपेल नहीं कर सकता कि आपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी तो आप ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो मोरल ऑब्लिगेशन है, उन्होंने कहा था वो उसे पूरा करेंगे नहीं करेंगे ये उनकी मर्जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह होता है, लेकिन इसका सहारा लेकर गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को जांचा जा सकता है। सो दैट कैन बी द थर्ड फीचर। चौथी बात, फंडामेंटल राइट के विपरीत, अनलाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के विपरीत जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल होते हैं, DPSPs लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, मतलब इनके वायलेशन पर कोर्ट को अप्रोच नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट, आप सरकार को कंपेल नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते, उन पर दबाव नहीं बना सकते कि आप DPSP को इन्फोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं। ये उनकी मर्जी, वो DPSP को इन्फोर्स करें या ना करें, ठीक है। आगे, जो DPSPs हैं वो कोर्ट की मदद करते हैं किसी भी कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी। याद करिए, जब हम बात कर रहे थे प्रियम्बल के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल ना तो स्टेट को अथॉरिटी देता है कुछ ही किसी काम को करने की, और ना ही वो उनके ऊपर कोई लिमिटेशन इम्पोज करता है। इसीलिए किसी कानून की वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए प्रियम्बल को संज्ञान में लिया जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बैकग्राउंड में रखकर किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने का प्रयास कोर्ट करता है। तो DPSP किसकी मदद करते हैं? कोर्ट की भी मदद करते हैं कि वो ये डिसाइड करें कि कोई जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो DPSPs की मदद कोर्ट भी ले सकता है, DPSPs की मदद आप भी ले सकते हैं। आप DPSP की मदद से ये पहचानने का प्रयास कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो सरकार आपके लिए है वो वास्तव में आपके भले के लिए सोचती है नहीं सोचती है, वो आपकी कितनी केयर करती है। ये सारी बातें आप डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी मदद से? DPSP की मदद से। और कोर्ट कैसे कर सकता है DPSP का इस्तेमाल? कोर्ट किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए, जांचने के लिए DPSP का सहारा ले सकता है। छठवीं बात कि जो DPSPs होते हैं वो किसी भी कंट्री में
सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए, हम बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो कहती हैं कि वो रियल डेमोक्रेसी हैं। अगर आप कम्युनिस्ट कंट्रीज का इंटरप्रिटेशन देखें, चाइना को ले लें या फिर क्यूबा को ले लें या कोई भी अन्य देश ले लें जहां पर कम्युनिज्म की फिलॉसफी फॉलो की जाती है, वो लोग बोलेंगे कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल बकवास है, वो फालतू की बात है। असली डेमोक्रेसी तो उनके यहाँ है जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि क्या ज़रूरी है किसी व्यक्ति को दो टाइम का खाना मिले, उसे अच्छी जॉब मिले, समाज में एक समान ओहदा मिले, या फिर ये ज़रूरी है कि उसको वोट करने का अधिकार मिले। वो कहते हैं किसी व्यक्ति के पास दो रोज का खाना नहीं है, वो वोट करके क्या करेगा। तो असली डेमोक्रेसी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है जो उनके यहाँ होती है, तो वो खुद को रियल डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जो हमारे इंडिया का DPSP है, वो एक्चुअली में देखिए इंडिया में वेरियस प्रोविजंस के जरिए सिविल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को तो एस्टैब्लिश किया ही जा चुका है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने का प्रयास कौन करता है? हमारा DPSP करता है। हमारा DPSP देश में आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र को लागू करने का प्रयास करता है। दूसरे तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रीएम्बल में दिए गए हैं, सरकार उनको पूरा करे, इस बारे में प्रावधान आपको कहाँ मिलेगा? DPSP में मिलेगा। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स, अच्छी अच्छी बातें आपको प्रीएम्बल में मिलती हैं, प्रस्तावना में मिलती हैं, जिन पर हमने विस्तार से चर्चा भी करी हुई है, उनको पूरा करने का जो प्रावधान है वो आपको DPSP में मिलेगा। सातवीं बात, फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर DPSPs को जोड़ दिया जाए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्लस DPSP, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को डिपिक्ट करते हैं। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बैकग्राउंड में जो फिलॉसफी वर्क कर रही है वो क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो फंडामेंटल राइट और DPSP को जोड़ दीजिए। फंडामेंटल राइट वो चीज़ें जो सरकार को फॉलो करनी ही करनी है, DPSP वो चीज़ें जो सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो फॉलो करेंगे। ये दोनों चीज़ें मिलाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को डिपिक्ट करते हैं। इज इट ओके? आठवां पॉइंट, ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आप जानने वाले हैं। DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से कानून की ज़रूरत पड़ती है। DPSPs ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर आपको इसे इन्फोर्स करना है, सो द लॉ विल बी रिक्वायर्ड। जैसे आप फंडामेंटल राइट की बात करिए, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। उसमें कह दिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ है, मतलब है जब भी कोई भी जजमेंट दिया जाएगा तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। देयर इज नो नीड फॉर एनी लॉ। लेकिन DPSP की बात कर लीजिए, वहां पर ये कहते हैं कि लिकर का जो कंजम्पशन है वो प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। सिंस DPSP में ये बात कह दी गई कि लिकर का जो कंजम्पशन है वो प्रोहिबिट होना चाहिए, लिकर का कंजम्पशन प्रोहिबिट नहीं हो जाता, इसके लिए एक सेपरेट लॉ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर लॉ पास नहीं किया जाएगा तो लिकर का कंजम्पशन प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर फंडामेंटल राइट के विपरीत DPSPs को इन्फोर्स करने के लिए अलग से एक कानून की आवश्यकता होती है। DPSPs ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल नहीं होते, ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से कानून की आवश्यकता पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल नहीं होते। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 44 DPSP का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, एक ऐसा सिविल कोड जो भारत के हर नागरिक के लिए एक ही हो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, ऐसा आर्टिकल 44 में कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड तब भारत में आएगा जबकि पार्लियामेंट इस संबंध में कोई कानून बना दे और उसे इफेक्टिव बना दे, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी भारत में नहीं आया है, ये एक डिबेटेड इशू है जिस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आर्टिकल 50 ये कहता है कि सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के साथ, इसे इंप्लीमेंट किया गया और इसके जो प्रोविजंस हैं ये आपको 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मिल जाएंगे। मतलब अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इस बात का जिक्र नहीं होता तो जो प्रोविजन आर्टिकल 50 में किया गया है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, वो इन्फोर्सेबल है बिकॉज इस बारे में 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रावधान किया गया। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो DPSPs हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक सेपरेट लॉ की आवश्यकता पड़ती है, और कई सारे DPSPs को इंप्लीमेंट करने के लिए कई सारे कानून सो फार इंडिया में तैयार किए गए हैं, ठीक है? तो ये बात, ये फीचर्स आपने समझ लिए DPSP के बारे में। अगर इन पे क्लैरिफिकेशन आपको आ गया है, एक बार फिर से देख लीजिए, DPSPs गाइडलाइंस हैं, ये कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं और मोरल ऑब्लिगेशन ग्रांट करते हैं स्टेट को। ये आपको सरकार की परफॉर्मेंस को चेक करने का एक टूल तैयार करते हैं जिसका आधार बनाकर
आप सरकार आपके लिए कितना सोचती है ये जज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट के विपरीत ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। डीपीएसपीज कोर्ट को मदद करते हैं ताकि वो किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सके। ये इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करने का प्रयास करते हैं, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का प्रयास करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के साथ अगर मिल जाए तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को डिप करते हैं और डीपीएसपीज ऑटोमेटिकली इन्फोर्सिबल नहीं है, बल्कि इनको इन्फोर्स करने के लिए एक अलग से कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बेसिक बातें आपने डीपीएसपी के बारे में समझ ली, फीचर्स आपने समझ लिए। नाउ ऐसा माना जाता है कि डीपीएसपी जो है वो प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन है। जैसा कि अभी जब हम फीचर्स डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने बात करी कि ये डीपीएसपी में डीपीएसपी जो हैं वो प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें मोरल प्रिंसिपल्स हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं उनको अचीव करने का जो टूल है वो डीपीएसपीज हैं। तो अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए कि क्या सच में डीपीएसपीज प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन है, तो आप इस सवाल के जवाब को कैसे तैयार करेंगे? कुछ बेसिक बातें आप समझ लीजिए कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड कहा जाता है। इस पर हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे उनका दिमाग अगर आप देखना चाहते हैं, उसका रिफ्लेक्शन आप समझना चाहते हैं, जस्ट गो थ्रू दी प्रियम्बल, प्रियम्बल में उनकी सोच आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके इतर ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स तैयार करता है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है, वो क्या चाहता है कि आपको मिले। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? प्रियम्बल में मिलेगी। कई सारे स्कॉलर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि डीपीएसपी एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है, कर्नेल है, और जो डीपीएसपीज हैं वो ओवरऑल तरीके से प्रियम्बल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका रिफ्लेक्शन है। जो बातें प्रियम्बल में कही गई हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स प्रियम्बल में ग्रांट किए गए हैं, उन्हें पूरा करने का ही तो प्रयास डीपीएसपी करता है। तो कुल मिला के आप उसी का रिफ्लेक्शन मान सकते हैं, लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ बताना पड़ेगा कि आखिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि जो डीपीएसपीज हैं वो रिफ्लेक्शन है प्रियम्बल का। जो एक्सप्रेशन है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये पूरा कहाँ होगा? ये पूरा होगा डीपीएसपी के जरिए। डीपीएसपीज कुछ और भी अल्टीमेट आइडियल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रियम्बल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये सारी बातें आपको प्रियम्बल में मिल जाएंगी। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं ये सारी बातें आपको डीपीएसपी में एग्जैक्टली मिल जाएंगी, प्रियम्बल में तो ये हैं ही। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो डीपीएसपीज हैं वो प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन है। और जो वेलफेयर स्टेट तैयार करने का आइडियल है, जो कहीं ना कहीं इंटेंशन है हमारे प्रियम्बल का, जिसकी हमेशा से कमी रही कॉलोनियल रूल के दौरान, वो चीज़ आपको डीपीएसपी में मिलती है। इस तरीके से आप डीपीएसपी को प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। इज इट ओके? अगर आपसे कह दिया जाए हाउ वी कैन कॉल और कैन वी कॉल डीपीएसपी एज रिफ्लेक्शन ऑफ प्रियम्बल, तो क्या आप इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे? ऑब्वियसली अब आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर लेंगे। अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने आता है तो वो मेजरली 150 वर्ड्स में होगा, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं कि डीपीएसपी में कुछ, देखिए हर प्रिंसिपल थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो डीपीएसपीज के भी अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं आइए समझते हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक थे जस्टिसिएबल और दूसरे नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जिसके पूरा ना होने पर आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, नॉन जस्टिसिएबल वो पार्ट है जिसके पूरा ना होने पर आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। जहां एक और पार्ट थ्री जिसे आप फंडामेंटल राइट कहते हैं उसे जस्टिसिएबल बनाया गया, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्टली। एट द सेम टाइम आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो आपका पार्ट फोर है उसे नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया, मतलब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते और उसके फॉलो ना होने पर आप कोर्ट को भी अप्रोच नहीं कर सकते। इस लिहाज से जो डीपीएसपीज हैं वो स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के ऊपर निगेटिव ऑब्लिगेशन है। इन बहुत ही बेसिक बातों को ध्यान में रखिएगा, मतलब ये बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो निगेटिव ऑब्लिगेशन है, जो डीपीएसपी है वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। तो ये सारी बातें बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं। तो डीपीएसपी जो हैं वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट आते हैं फिर हम मतलब नहीं समझ पाते। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि ये उम्मीद की जाती है कि सरकार ये करे, मतलब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे जब भी वो कानून बनाए,
डी और फंडामेंटल राइट के बारे में क्या होता है, सरकार ये नहीं करेगी, सरकार आपके अधिकारों का हनन नहीं करेगी, वो निगेटिव सेंस में आते हैं, जबकि डीपीएसपीज पॉजिटिव सेंस में आते हैं। जो डीपीएसपीज हैं उन्हें जस्टिसेबल नहीं बनाया गया इंडिया में, इसका कारण क्या है? कॉज अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, कारण एक लाइन में ये था कि हमारे पास उस समय सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे, डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती, जो हमारे पास जब देश आज़ाद हुआ उस समय नहीं थे। ये एकमात्र कारण नहीं था, दूसरा कारण था इंडिया की बैकवर्डनेस और डाइवर्सिटी। चूंकि इंडिया काफ़ी पीछे था तो पूरे एरियाज को एक साथ डेवलप करना मुश्किल था, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती। एट द सेम टाइम इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, कई सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक झटके में यूनिटी इंश्योर करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप आर्टिकल 44 को ही ले लीजिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप लागू करेंगे तो वो समाज के हर हिस्से को प्रभावित करेगा, सबको यूनिफाई कर देगा। इतनी डाइवर्स कंट्री में अगर एक झटके से इस तरीके की यूनिटी को इंश्योर करने का प्रयास किया जाएगा तो वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बिखेर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्रंच और इंडिया की डाइवर्सिटी, इन दोनों की वजह से जो डीपीएसपीज हैं उनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था तो इंडिया एक नया आज़ाद देश उभर के आया था, जहां पर हम कई सारे इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे। उस स्थिति में अगर हम डीपीएसपी को जस्टिसिएबल बनाते तो इंडिया बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकता था, और हो सकता है कि इंडिया की जो इंटीग्रिटी है वो ही खतरे में पड़ जाती। ठीक है, आर्टिकल 37 डीपीएसपी के नेचर को डिफाइन करता है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि डीपीएसपीज इन्फोर्सेबल नहीं है, डीपीएसपीज इन्फोर्सेबल नहीं है, तो आखिर ये कहां कहां गया है? क्या इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में बोला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीपीएसपीज इन्फोर्सेबल नहीं है ये बात खुद डीपीएसपी ही बोलता है। कहां बोलता है? आर्टिकल 37 में बोलता है। आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन वही होगी जो आर्टिकल 12 में है, ठीक है, अगर जब तक उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। आर्टिकल 37 ये बताता है कि जो डीपीएसपीज हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है। वैसे तो बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है डीपीएसपी की हमारे डीपीएसपी के पार्ट में ही, बट एक इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली डीपीएसपी है क्या, और वो इंडिकेशन आपको कहां मिलेगा। डीपीएसपी में ही आर्टिकल 37 को आप खंगालेंगे तो आपको दो बातें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। पहली बात तो डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, दूसरी बात कि डीपीएसपी एग्जैक्टली क्या है। डीपीएसपी स्टेट की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है, दायित्व है। जो आर्टिकल 37 है वो डीपीएसपी को एक ऐसे प्रिंसिपल के रूप में डिफाइन करता है जो कि कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। मतलब ये बहुत ही बेसिक है, अगर देश को चलाना है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखा जाए, और इसी आधार पर आप डीपीएसपी की सिग्निफिकेंस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आर्टिकल 37 का टेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपके सामने इन्वर्टेड कॉमा में है। टेक्स्ट ये, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल। ये लाइन है, देखिए, शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, मतलब आप इसको मांगने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कहते हैं, बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर नेवरथलेस फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइन, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, और ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो कानून बनाते वक्त इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो आर्टिकल 37 में आपको दो बातें मिल जाती हैं, पहली बात तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, और दूसरी बात कि एक्चुअली में ये है क्या, डीपीएसपी एक्चुअली में क्या है। ये कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है और स्टेट की ड्यूटी है कि वो कानून बनाते वक्त इसको फॉलो करें। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं डीपीएसपी की इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक इंडिविजुअल के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर सरकार डीपीएसपी को इंप्लीमेंट ना करे तो वो कोर्ट को अप्रोच करें। इस सवाल का जवाब क्या है, वर्तमान की स्थिति क्या है, क्या अगर सरकार डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं करती है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो, अ बिग नो। आप इसके लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि वो फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करे ही। तो इन्फोर्सिबिलिटी का इशू बहुत सामान्य सा है, हमने समझ लिया है। तो इस आंसर का जवाब है निगेटिव, मतलब आप इसके लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, और ये बात आर्टिकल 37 खुद ही बोलता है। आर्टिकल 37 का टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ के बता दिया, उसमें जो बात इस बात को इंडिकेट करती है, जो इन्फोर्सिबिलिटी की ओर इशारा करती है, दैट इज शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, ये किसी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा, मतलब आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। इसीलिए जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहां पर इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी की जो नॉन जस्टिसिएबिलिटी है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल इम्यून कर देती है, बिल्कुल छोड़ देती है कि वो डीपीएसपी उसको फॉलो करें या ना करें, ये उनकी मर्जी होगी। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डीपीएसपी के फॉलो ना होने के आधार पर मैंडेमस जारी कर सकते हैं क्या? मैंडेमस जो कि एक तरीके का रिट है। सबसे खास बात कि मैंडेमस जो है वो स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिटिल मीनिंग मैंडेमस की होती है टू कमांड। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई अथॉरिटी जिसे वो काम सौंपा गया है बाई लॉ उसे ना करे, तो ये रिट कंपेल करता है कि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से फॉलो करें। सिंस डीपीएसपी एक ड्यूटी है तो क्या इसके लिए भी मैंडेमस जारी किया जा सकता है? जो मैंडेमस का रिट है वो बेसिकली दो सिचुएशन में जारी किया जाता है, या तो कोई रिट पिटीशन की मांग करे या सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो ले ले और वो ये बोल दें कि इसे फॉलो किया जाना चाहिए या मैं चाहता हूं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको संज्ञान मिले तो ऐसा रिट पिटीशन जारी की जा सकती है इसके आधार पर, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सुओ मोटो डिसीजन भी कोर्ट ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के मुताबिक कोर्ट मैंडेमस का रिट जारी करने के लिए ऑथोराइज नहीं है डीपीएसपीज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो डीपीएसपीज हैं वो लोगों के हाथों की यार्डस्टिक है। लोग इसके बेसिस पे सरकार की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ये कोर्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है कि वो डीपीएसपीज के इन्फोर्समेंट ना होने पर उनके लिए मैंडेमस जारी करें। तो सवाल का जवाब यह है कि अगर आप इस बात में कभी कंफ्यूज हों कि चूंकि अगर कोई अथॉरिटी अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करती तो मैंडेमस जारी किया जाता है, लेकिन ऐसा मैंडेमस डीपीएसपीज के फॉलो होने पर ना फॉलो होने पर नहीं जारी किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स लीगल ऑब्लिगेशन है स्टेट के रेस्पेक्ट पे, दैट्स वाई यहां पर मैंडेमस जारी किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपीज मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, दैट्स वाई मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा और इस बात को साफ साफ कह दिया गया आर्टिकल 37 में। ये केवल डायमेंशंस हैं, आपके सामने आएंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये डायमेंशंस केवल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 38 ब्रॉड आइडियाज तैयार करता है स्टेट के लिए कि स्टेट को क्या करना चाहिए डीपीएसपीज को, और दैट्स वाई डीपीएसपीज इस दिशा में काम करने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ डीपीएसपीज ने कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के एम्बिट को और ज़्यादा वाइडन भी किया है, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज लगातार एक दूसरे के साथ सिनर्जी स्टैब्लिश करने का प्रयास करते रहे हैं। स्टिल एक लंबी डिबेट चली है कि आखिर कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डिबेट पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, डीपीएसपीज वर्सेस फंडामेंटल राइट। दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी डिबेट चली कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट जिसके पास प्रॉपर हथियार हैं, हथियारों से हमारा मतलब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी से है, या फिर डीपीएसपी जो खाली हाथ हैं जिनके पास लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का हथियार नहीं है। तो इन दोनों में से आखिर इंपॉर्टेंट कौन है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इन दोनों के बीच में सामंजस्य यह हमेशा से एक डिबेटेबल इशू रहा। दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है तो आपको इस तरीके से इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वाइन है, एक सिक्का है, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी उस सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व लगभग अधूरा रहेगा। ऑन द वन हैंड जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट, वो सरकार की पावर्स को लिमिट करता है, रेस्ट्रेन करता है। ऑन द अदर हैंड जो पार्ट 4 है वो सरकार को ये कहता है कि वो कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों के हित सुरक्षित हों, उनके बीच में हार्मनी क्रिएट हो। जहां एक और फंडामेंटल राइट निगेटिव ऑब्लिगेशन है, वहीं डीपीएसपीज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप यहां पर कंपैरिजन करना चाहते हैं डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट के साथ, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज दोनों की ही इक्वल रेलेवेंस है अगर आप करंट सिनेरियो में देखें तो। वर्तमान की स्थिति क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जितना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है उतना ही इंपॉर्टेंट डीपीएसपी भी है, और एक को पूरा करने के लिए दूसरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की जो स्थिति है जहां पर बोला गया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों बराबर हैं, ये स्थिति ऐसे नहीं आई है। इसके बैकग्राउंड में एक बहुत लंबी लीगल बैटल चली है। उस लीगल बैटल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को क्लैरिफाई किया कि डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों इक्वल हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और एक को पूरा करने के लिए दूसरे को आप स्टिक पे नहीं लगा सकते।
कई सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो DPSPs हैं वो तो बेकार हैं क्योंकि वो जस्टिसेबल ही नहीं है, आप उनके पूरा ना होने पर कोर्ट को अप्रोच कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या रह गया। लेकिन आप इस चीज़ को केवल इस आधार पर जज नहीं कर सकते, DPSP नॉन जस्टिसेबल है इसलिए बेकार है, ये गलत चीज़ है। DPSP गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो ये बताता है कि सरकार काम करेगी कैसे, ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप इनको महज जस्टिसेबिलिटी के इशू के आधार पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जो लीगल बैटल चली, जो आज ये हार्मनी बताई गई है कि फंडामेंटल राइट और DPSP दोनों बराबर हैं, आज का ये जो प्रेजेंट स्टेटस है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो लीगल बैटल चली है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कई सारे जुडिशियल जजमेंट्स आपके सामने हम डिस्कस करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में भी मैंने डिस्कस किया था, हमने DPSP में भी डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इनको समझने के लिए बस आपको एक सीक्वेंस याद रखना होता है, अगर आप सीक्वेंस याद रखेंगे तो आप बहुत आराम से इस सीक्वेंस के साथ इसको हैंडल भी कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस नेचर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, कई बार इस नेचर के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आप बताइए कि वर्तमान की स्थिति में हम पहुँचे कैसे, तो आपको इन केसेस का जिक्र करना पड़ जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स DPSP से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या DPSP फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये डिबेट आज की नहीं है, ये डिबेट बहुत पुरानी है। और इस संबंध में डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कई बार जुडिशरी ने कई सारे केसेस में अपना जजमेंट दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन केस 1951, दैट वॉज द फर्स्ट केस जहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है या DPSP। तो 1951 के इस केस में ये बोला गया कि अगर DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जाता है तो ऐसा कानून नल एंड वाइड होगा, नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। समझिए मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि पहला केस गवर्नमेंट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन केस जो 1951 में कोर्ट के पास गया, वहां पर कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने DPSP को नज़रअंदाज किया, उन्होंने बोला DPSP को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता, सो हु इज मोर इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस ऑफ 1951। इसके बाद एक दूसरा केस गया 1957 में, जहां पर अगेन इस इशू पर बातचीत की गई, दैट वॉज केरला एजुकेशन बिल केस ऑफ 1957, जहां पर कोर्ट ने एक बात कही कि अगर फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाएगा। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कि दोनों के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश किया जाए, किसी को ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। स्टिल उन्होंने ये बात तो बोली कि प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, स्टिल उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि किसी एक को ही इंपॉर्टेंस देनी है तो फंडामेंटल राइट को ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी, नॉट द DPSP। अगेन दूसरा केस 1957 इन केरला एजुकेशन बिल केस, यहां पर फिर से फंडामेंटल राइट को ज्यादा तवज्जो दे दी गई। ध्यान दीजिएगा, पहले दो केसेस में फंडामेंटल राइट को ज्यादा तवज्जो दी गई है, तीसरा केस आता है 1966 में इन वेंकटरमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, कोर्ट ने अगेन फंडामेंटल राइट को DPSP से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। ध्यान दीजिए, तीन केसेस, 1951 का चंपाकन केस, 1957 का केरला एजुकेशन बिल केस और 1966 का वेंकटरमन केस, तीनों में ही फंडामेंटल राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, हालांकि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करी गई दूसरे वाले केस में, बट जो तवज्जो दी गई वो फंडामेंटल राइट को ही दी गई। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, शुरू के तीन केस फंडामेंटल राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है IC गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस ऑफ 1967। ध्यान दीजिएगा, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो इसी केस से विवाद शुरू हुआ था इंदिरा गांधी जी के बीच में और जुडिशरी के बीच में। यहां पर देखिए, इसके पहले तक जहां सुप्रीम कोर्ट कहा करते थे कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, पहली बार कोर्ट ने ये बोला फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी कर्टेल्ड इन बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी लॉ के जरिए फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला गया गोलकनाथ केस में, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। अच्छा देखिए, एक मिस्टेक मैंने करी थी लास्ट सेशन में, वो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करता हूँ। जहाँ पर जब हम बात कर रहे थे आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 के बारे में, जहां पर यह बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी अन्य कोर्ट को भी रिट ज्यूरिसडिक्शन दे सकते हैं, तो वहां पर उनका मतलब हाई कोर्ट से नहीं बल्कि किसी अन्य कोर्ट से है, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें भी रिट ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है उनकी लोकल अथॉरिटी में। हाई कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ये एक लीगल मैंडेट है आर्टिकल 226। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इज इट ओके, ये मिस्टेक मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई करी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने केस पर, IC गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये बोला
कि फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा। ये जब हम अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट देख रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर सेम कोर्ट ने एक बात और कही डीपीएसपी के बारे में। उन्होंने ये बोला कि अगर आर्टिकल 39B और 39C, जहां पर यह बोला गया है कि सरकार इनइक्विटी को कम करने का प्रयास करेगी और लॉज को ऐसे इंप्लीमेंट किया जाएगा कि सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट हो, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बनी रहे, तो 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, अगर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 इनको वायलेट किया जाता है, तो उस कानून को महज इनके वायलेशन के बेसिस पर नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। कोई और कारण होगा तो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन केवल इस आधार पर कि आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट कर रहे हैं, इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि गोलकनाथ केस से ही ट्विस्ट आया है, फंडामेंटल राइट में भी और डीपीएसपी में भी। फंडामेंटल राइट में इसके पहले तक केसेस में क्या बोलते थे, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है गवर्नमेंट। गोलकनाथ केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, विवाद शुरू हो गया। डीपीएसपी में अभी तक उनका स्टैंड क्या था कि डीपीएसपी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल राइट। लेकिन सेम गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 39B 39C को अगर इन्फोर्स किया जा रहा है, आर्टिकल 14 19 31 इन्फ्रिंज हो रहा है तो कर सकते हैं। आर्टिकल 31 तब हुआ करता था, ये 1971 में खत्म 78 में खत्म किया गया, 1978 में खत्म किया गया। तो 14 19 और 31 का वायलेशन किया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C। समझ में आ रही है बात, फॉर द फर्स्ट टाइम किसको इंपॉर्टेंस दी गई, डीपीएसपी को। इसके पहले के तीन केसेस में किसको इंपॉर्टेंस दी गई थी, फंडामेंटल राइट्स को। तीन केसेस, 1951 का चंपाकन केस, 1957 का केरला एजुकेशन बिल केस, 1966 का वेंकट रमन केस, इन दोनों में किसको इंपॉर्टेंस दी गई, फंडामेंटल राइट को। और इसके बाद जब चौथा केस आया गोलकनाथ केस, तो वहां पर किसको इंपॉर्टेंस दी गई, यहां पर डीपीएसपी को थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई। अब वही बात है कि जब इंदिरा जी की सरकार के मन का थोड़ा सा हो गया तो उन्होंने अपना मन और बढ़ाया। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो आर्टिकल 31C का एम्बिट बढ़ाया गया, और इस एम्बिट को बढ़ाते हुए यहां पर गवर्नमेंट ने एक नया प्रावधान किया। उन्होंने बोला कि सारे डीपीएसपीज सारे फंडामेंटल राइट के ऊपर हैं। अब ये कंट्रोवर्सी आ गई। हालांकि देखिए, इसके पहले एक केस आया था, केशवानंद भारती केस ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। वहां पर एपेक्स कोर्ट ने एक बात कही थी कि सरकार जो चाहे संविधान में बदलाव कर सकती है, गिवन दैट जो बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वायलेट ना हो। ऐसी स्थिति में डीपीएसपीज के बारे में जो प्रावधान करना चाहे सरकार कर सकती थी। हालांकि जब 42nd अमेंडमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई, और उन्होंने 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस बात को, जब वो हैंडल कर रहे थे कि क्या डीपीएसपी जो है, जो पार्ट 4 है, उसे पार्ट 3 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, तो कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलो किया। उन्होंने बोला कि दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, और जो 42nd अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि सारे डीपीएसपी सारे फंडामेंटल राइट के ऊपर होंगे, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दिया। उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता, आप किसी को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बता सकते, बिकॉज दो के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 42nd अमेंडमेंट में जो परिवर्तन किया गया था उसे खारिज किया गया, डीपीएसपी के संबंध में जो सरकार ने अमेंडमेंट किया था उसे खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और यहां पर जो पॉलिसी फॉलो की गई, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसे जो दूसरा केस था इसका जिक्र भी वहां किया गया था, किस केरला एजुकेशन बिल में भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल का जिक्र किया गया था। हालांकि वहां पर फिर भी फंडामेंटल राइट को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। 1980 में जब ये केस आता है, 1980 में जब केस आता है मिनर्वा मिल्स का, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई किसी से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई बैलेंस मेंटेन करेंगे, किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, किसी को कम तवज्जो नहीं देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। प्रेजेंट का स्टेटस क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बीच में हार्मनी स्टैब्लिश करेंगे, किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। ये बात समझ में आ गई ना। और ये स्टेटस पहुंचा कैसे, ये पूरी जर्नी चली है केसेस की, उसके बाद ये प्रेजेंट का स्टेटस मिला है। उसके बाद यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस आया 1993 का। कोर्ट ने यहां पर बोला कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज अलग अलग नहीं देखे जाने चाहिए,
दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आप दोनों को एक साथ पढ़ो, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, एक्सक्लूजन में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, अलग अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में टूल हैं डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स रास्ता तैयार करते हैं कि डीपीएसपी को फॉलो किया जाए, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो केसेस अच्छे से याद रखिए, मिनर्वा मिल्स केस जो कहता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, और यूनिक्रिश्चन केस में क्या बोला कोर्ट ने कि दोनों को एक्सक्लूजन में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि एक साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और फंडामेंटल राइट एक्चुअली में डीपीएसपी को फुलफिल करने का रास्ता तैयार करता है। तो इन दोनों केसेस में कही गई बात को अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा ताकि आप वर्तमान में डीपीएसपी का जो स्टेटस है उसको समझ सकें। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, 2002 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डिस्कस कर चुके हैं, समस्या तो नहीं है। डीपीएसपी को किस लिए लाया गया था? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया था। इसका मतलब क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2013 का क्वेश्चन था ये, पेपर वन का। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनमें से कौन सा है जो कि कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है? बताइए, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। सही जवाब क्या होगा बताइए? सी, डीपीएसपी। कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 37 में साफ साफ यही लाइन ही कही गई है कि ये फंडामेंटल होगा कंट्री के गवर्नेंस के लिए। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप कितने आराम से इन सबको हैंडल कर ले रहे हैं। बस बेसिक बातें समझनी है आपको, ये सब यूपीएससी ने पूछे हैं क्वेश्चंस। आप सोचिए कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो डीपीएसपी है वो किसके ऊपर लिमिटेशन इंपोज करता है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस के ऊपर कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ऊपर कि दोनों के ऊपर? याद करिए मैंने क्या बोला था, डीपीएसपी कोई लिमिटेशन इंपोज नहीं करता, ये केवल रिकमेंडेशन देता है कि सरकार को ये करना चाहिए, ये प्रोहिबिट नहीं करता कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली में डीपीएसपी कोई लिमिटेशन किसी के ऊपर इंपोज नहीं करता, तो के दो के दोनों ही गलत हो गए। सही जवाब क्या निकलेगा? डी, नीदर वन नॉट टू। तो क्या मुश्किल हो रही है सॉल्व करने में? कितने आराम से क्वेश्चंस हैंडल हो जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसी चीज़ के आंसर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हम बात करते हैं कि जो डीपीएसपीज हैं वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ये बात ग्रैनविले ऑस्टिन ने कही थी, ठीक है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने ये बात कही थी कि जो डीपीएसपीज हैं वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ये कोई लिमिटेशन इंपोज नहीं करते। इस लिहाज से दो के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। कुछ मेंस के क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली मेंशन व्हाई एंड हाउ द चैप्टर ऑन डीपीएसपी गेन्ड प्रेसिडेंस ओवर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताइए कि किस तरीके से जो डीपीएसपी है उसने कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अवेल कर ली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए देखिए आपको बताना पड़ेगा कि कारण बताना पड़ेगा कि धीरे धीरे जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे वो कैसे इंपॉर्टेंट होते गए, जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेस आते गए, हम अपनी डाइवर्सिटी को हैंडल करने में सक्षम हो गए, और जो केसेस आए उनका भी जिक्र करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, ब्रीफली स्टेट द स्टेजेस थ्रू विच द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ डीपीएसपी विज द फंडामेंटल राइट हैज इमर्ज्ड। अब यहां पर तो आपको सारे केसेस का जिक्र करना पड़ेगा, तभी आप स्टेजेस एक्सप्लेन कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ डीपीएसपी, हाउ हैज इट बीन इंटरप्रेटेड बाई जुडिशरी आफ्टर द इमरजेंसी इन 1975 to 77। सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन बताइए, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, और 75-77 यानी कि यहाँ पर आप 42nd अमेंडमेंट का जिक्र कर दीजिएगा, मेनका गांधी केस का जिक्र कर दीजिएगा, और जो सबसे लास्ट में मैंने आपको केस बताया था दैट वाज यूनिक्रिश्नन केस, आप इसका भी जिक्र कर दीजिएगा, जहाँ पर आप ये बता दीजिएगा कि ये बोला गया था कि दोनों को एक्सक्लूजन के साथ ना देखा जाए, हारमोनी के साथ देखा जाए। और मिनर्वा मिल्स केस का भी जिक्र कर दीजिएगा, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करी गई थी, ठीक है। तो इसके बाद ये 75 से 77 के बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं उसका सहारा लेकर आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।